हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज भसीन, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फ्लोर जो कि लोकेटेड है रोहिणी सेक्टर 3 में। ये हम लिफ्ट से निकलते ही जैसे अंदर आते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं किचन है जिसमें बहुत अच्छा काम करवाया गया है। ये फर्स्ट रूम है, रूम्स यहाँ के बहुत खुले खुले हैं, साथ में बैल्कनी अटैच्ड है। आप देख सकते हैं बैल्कनी भी काफ़ी शानदार है, प्लस आसपास का माहौल भी ठीक ठाक है। सेक्टर 3 के आसपास मॉल कल्चर है, यहाँ पे मॉल्स की कोई कमी नहीं है। अब हम वापस चलते हैं रूम्स के अंदर, आप देख सकते हैं रूम्स काफ़ी खुले हैं। रोहिणी में सारी बेसिक अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब हम जाते हैं रूम नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर एक बाथरूम और टॉयलेट अटैच्ड है। बाथरूम फिटिंग्स आपको ब्रांडेड मिलेंगी। अगर कोई बिल्डर फ्लोर तैयार हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस भी करवा सकते हैं, अगर वो बन चुका है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। रोहिणी एक प्लान सिटी है, इस वजह से आपको यहाँ पे रहने में बहुत मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात जो रोहिणी में है वो है एप्रिसिएशन। आप अपनी प्रॉपर्टी के रेट को हर महीने हर साल बढ़ते हुए देखेंगे, जो कि एक आपको आनंद की अनुभूति देगा। रोहिणी के सारे सेक्टर्स मेट्रो से बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं। रोहिणी में आपको सेमी फर्निश्ड फ्लोर्स मिलते हैं जिसमें कि ज़्यादा काम करवाने की गुंजाइश नहीं होती। आप इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी रोहिणी में प्रॉपर्टी चाहिए उससे शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ मैं पंकज भसीन आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद एंड सायोनारा।